राहुल बाबा जब तक भाजपा है ये हो नहीं सकता, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और वो हम लेके रहेंगे। भाइयों बहनों इनको शर्म नहीं आती, एटम बम के डर से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का हमारा राइट छोड़ना चाहते हैं। मगर आप चिंता मत करिए, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, पाकिस्तान की गोली का जवाब तोप के घोले से दिया जाएगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं। और भाइयों बहनों मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पूछने आया हूं, तेलंगाना वालों मुझे बताओ ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कह रहे हैं राहुल बाबा, कह रहे हैं खड़गे जी, कह रहे हैं तेलंगाना वाले और कश्मीर का क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब आप 80 पार कर गए, तेलंगाना वालों को जान नहीं पाए, ये हमारे तेलंगाना के युवा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकते हैं, जान दे सकते हैं। 70 साल से कश्मीर में धारा 370 को बनाए रखी थी, एक अनौरस संतान में बैठा है। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों न केवल कश्मीर, पूरे देश में आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आप चेवल्ला वालों को पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? 370 को संभालने वाला, आतंकवादियों को संभालने वाला या खत्म करने वाला? आप जोर से बोलिए, होना चाहिए आतंकवाद समाप्त करने वाला होना चाहिए या नहीं? जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं? भाइयों बहनों एक कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के कारण आतंकवाद को बचाती रही, नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को मूल समेत समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। चेवल्ला वालों मुझे सच सच बताना, मन से बताना, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने एक 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाइयों बहनों कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, एक खड़गे जी को, राहुल बाबा को, प्रियंका को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा मगर वो नहीं गए। क्यों नहीं गए चेवल्ला वालों, मालूम है आपको क्यों नहीं गए? नहीं है ना मालूम? मैं बताता हूं, वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, अपनी वोट बैंक से। उनकी वोट बैंक, जोर से बोलो, है या नहीं है? मजलिस की और उनकी वोट बैंक एक है। अरे राहुल बाबा, रेवंत गारू, आप डरते रहिए वो वोट बैंक से, हम नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने न केवल राम मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर जो औरंगजेब ने तोड़ा था नया बनाने का काम किया, महाकाल लोक बनाया।